अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 यूनिट 5 यूनिट का नाम है मजदूर। आपकी बुक का है पेज नंबर 19। इसकी रीडिंग अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट सिलेबस फाइल पे आ जाते हैं। सिलेबस फाइल का है पेज नंबर 22। इसके अल्फाज मायने करने हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ क्यास करना, मतलब अंदाज़ा करना या जाँच। आसार कदीमा, पुराने निशानात। खोज लगाना, पता लगाना, ढूंढना। रस्म الخط, तर्ज तहरीर, लिखने का अंदाज। लश्कर कुशी, चढ़ाई या हमला। दरियाफ्त, तहकीक या जांच पड़ताल। गुंजानाबाद, आबादी से भरपूर। पाट, चीज़ों को तोलने का एक आला। मदफून, दफन हुई चीज़ें। शवाहिद, सबूत। लिसानी रबते, ज़बानी रबते। हम असर, हम पल्ला। रस्म الخط, लिखने का तरीका। अर्जियाती, ज़मीनी। सुराग, निशान। रसाई, रसाई का मतलब पहुँच होता है। इसके बाद है नागरेज, लाजिम या ज़रूरी। सयाह, सैर करने वाला। सियाहत, सैर व तफरी। क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, तहकीक के मुताबिक मौजदाड़ों की कौन कौन सी खसूसियात सामने आई हैं। मौजदाड़ों में नकासी आपका बहुत अच्छा इंतज़ाम था। मजबूत माशी निज़ाम के हामिल थे। ज़रख़ेज़ ज़मीन, अनाज और गल्ले की कसरत। खुशहाल और खुशहाल इलाका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मौजदाड़ों के लोगों ने अपने ख्यालात को ज़बान देने का क्या तरीका इख्तियार कर रखा था। हकीकत तो यही थी कि दरिया सिंध की तहजीब का रस्म الخط एक राज है, लेकिन मुमकिन है कि वो कुछ मखसूस किस्म की मोहरें इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते होंगे। सवाल नंबर 3, शहर की तमीर से क्या अंदाज़ा लगाया जाता है और वहाँ से दरियाफ्त नवादरात की क्या साबित करते हैं। शहर की तमीर से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि शहर की सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है और वहाँ की दरियाफ्त नवादरात वहाँ के लोगों की खुशहाली को जाहिर करते हैं। सवाल नंबर 4, वो कौन से अवामिल हैं जो हमें बताते हैं कि शहर में इंसानी सेहत का ख्याल रखा जाता है। हर हिस्से में पानी महफूज रखने का बेहतरीन इंतज़ाम है। इसके अलावा कुआं और जुदागाना हौज है जो यकीनन हमाम के लिए इस्तेमाल में रहा होगा। हर हिस्से में बैतुलखला का निज़ाम भी मिलता है और ज़मीन दोज नाले का भी। ये ज़मीन दोज नाला पुख्ता ईंटों से तामीर किया गया है। हर घर से निकासी आपका पुख्ता नालियाँ एक मिट्टी के पुख्ता पाइप से इसी नाले में जा मिलती हैं। ये 4 क्वेश्चंस और यूनिट नंबर 5 के अल्फाज मायनी आपने अपनी होमवर्क कॉपी में लिखने हैं और इस यूनिट की रीडिंग भी अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।